हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑटोमेशन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द BIM टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था वो भी रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि वॉट इज़ BIM, BIM जो है वो क्या होता है। तो जिसमें हमने देखा था कि बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग जो है वो एक ड्यूरिंग बिल्डिंग के लाइफ साइकिल जितना भी ब्रांचेस होता है, जितना भी मतलब फील्ड होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, उसका डेटा उसमें स्टोर रहता है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है तब हम वो डिजिटल डेटा जो है वो मतलब जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो 3D डिज़ाइन डेटा हम जो बनाते हैं पूरी बिल्डिंग का, और कोई एक ब्रांच का नहीं कि भाई सिविल के रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, मैकेनिकल रिलेटेड, मतलब जो कोई भी डेटा वो वहाँ पे साइट का होता है वो साइट का पूरा डेटा एक पूरे बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में इंक्लूडेड होता है। ओके, तो ये एक इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो होता है कि जिसमें सारी ब्रांचेस जो है वो कोऑर्डिनेट करके वर्क करता है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग। ओके, उसके बाद हमने उसके जो मतलब ऑपरेशंस हैं वो देखे थे कि बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। इसमें सबसे पहले जो है वो डिटेल डिज़ाइन बनाना, कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाना, डिटेल डिज़ाइन बनाना, उसके बाद एनालिसिस करना, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसका फैब्रिकेशन करना, कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में करना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक्स करना, ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना, और लास्ट में रिनोवेशन करवाना। यानी कि डिज़ाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट जो है वो तीनों तीन जो स्टेप्स जो है वो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में इंक्लूडेड होते हैं। यानी ये तीन स्टेप के अंदर जितने भी सब स्टेप्स हैं उसका डेटा जो है वो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग थ्रू मिल सकता है। तो कोई भी बिल्डिंग जो है वो कैसी बनेगी वो अगर हमें ड्यूरिंग प्लान के टाइम ही देखना हो तो बिल्डर्स, इंजीनियर्स एंड जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ये BIM टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एज वेल एज़ अपने प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी हम बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हमने इसके यूज़र्स देखे थे कि कौन कौन से यूज़र्स जो है वो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो यूज़र्स है वो है आर्किटेक्ट, उसके बाद सिविल इंजीनियर्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उसके बाद MEP सिस्टम इंजीनियर्स, उसके बाद बिल्डर्स एंड फैब्रिकेटर्स, और लास्ट में ये जो ये सारा जो प्रोसेस खत्म होता है उसके बाद बिल्डिंग जिसको सौंपी जाती है वो फैसिलिटी मैनेजर और ओनर्स। ओके, तो ये सारे जो है वो यूज़र्स है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग के, कि कौन कौन सा यूज़र जो है वो ये बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग का यूज़ कर सकता है और उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन टू टेक्नोलॉजीज़, एक जो है वो आपकी CAD टेक्नोलॉजी है वो, एंड दूसरी जो 3D बीम एंड एडवांस बीम टेक्नोलॉजी है वो। तो ये सबके बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा था कि 2D और 3D जो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग आता है उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो इम्फेसिस करती है कंप्यूटर एडेड पे। ओके, और BIM टेक्नोलॉजी बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में या तो मैनेजमेंट में ओनली 3D प्लान्स बनते हैं और वो भी इम्फेसिस करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो वो ओनली इन्फॉर्मेशन के ऊपर इम्फेसिस करते हैं। ओके, तो आपके CAD 2D की लिमिटेशंस है कि हम उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर सकते, विजुअलाइजेशन अच्छे से नहीं करवा सकते हैं कस्टमर को। ओके, तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो BIM में नहीं रहते हैं। BIM में आप इजीली जो विजुअलाइजेशन है वो कस्टमर को दिखा सकते हो। ओके, और उसकी आँख के सामने दिखा सकते हो कि बनने के बाद जो ये बिल्डिंग है या तो फिर कोई भी मकान है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या इंडस्ट्री है वो कैसे दिखेगी बाहर से। ओके, ये सारी चीज़ जो है वो ऑटोकैड ड्राइंग में, यानी कि CAD 2D ड्राइंग या 3D ड्राइंग में नहीं होती है, बट BIM 3D मॉडलिंग में ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होती है। आफ्टर डैट वी हैव सीन नीड ऑफ BIM। तो BIM जो है वो सारी ब्रांचेस का डेटा इकट्ठा करके चलता है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप एक ही फाइल एक्सेस करोगे बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग की, तो आपको सारा डेटा एक ही साथ मिल जाएगा
ओके। और मतलब जो ब्रांचेस है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी कैसे हुआ है या कैसे किया गया है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग है वो ड्यूरिंग बिल्डिंग के लाइफ साइकिल में होती है, यानी कि वो बिल्डिंग डिमोलिश होता है तब तक उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें सेव होता है। तो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग जो है वो बहुत सारा डेटा जो है वो एक ही फाइल के अंदर मैनेज करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ देखी थी। फिर उसके बाद हमने ड्राइंग बेस्ड प्रोसेस एंड BIM प्रोसेस के बीच का डिफरेंस देखा था। तो आज जो है वो हम इससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है वो हम देखने वाले हैं कि कैड क्या है, BIM क्या है, कैड एंड BIM। ओके, तो कैड वर्सेस BIM, तो वो हम जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, उससे ही मैं आगे कैरी आउट करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ दिस इज कैड में आपको 2D प्लान बना के दिया है। तो 2D प्लान आप कितने भी बना लो आपका विजुअलाइजेशन नहीं आएगा। ओके, बट साइड में आप BIM देखो तो दिस इज़ BIM, तो आप पिक्चर में ही देख सकते हो कि कैड से कोई इन्फॉर्मेशन निकलती आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, तो उसका आंसर होगा नो। बट BIM में आपको आपके सामने बिल्डिंग खड़ी हुई मिलती है। ओके, कैड में वही प्लान आप डिटेल में देखो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा डिटेलिंग में। ओके, आपको खाली लाइन्स ही मिलेगी, आपको कुछ विजुअलाइजेशन नहीं होगा कि कैसे करेंगे और कैसा उसका पिक्चर होगा। बट इन BIM में देखो आप पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो मतलब स्टील है वो एक साथ देख सकते हो BIM में, कि वो अटैच होने के बाद यानी कि स्टील लगवाने के बाद वहाँ पे कैसा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेटिस्टिक्स भी दिए हुए हैं BIM और कैड के, वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आपको टास्क दी है कि स्कीमेटिक, डिज़ाइन डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, चेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे जो टास्क है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ऑलरेडी होते ही है। ओके, बट हमें क्या देखना है कि कैड और BIM जो है वो दो सॉफ्टवेयर ये प्रोसेसेस को कितनी फास्ट कर सकते हैं। ओके, कौन कौन सा स्टेप जो है वो जल्दी ज़्यादा कर सकता है, इफ़ेक्टिवली कर सकता है, वो हमें देखना है। और टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग कितना होता है वो भी हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ हम दो टेक्नोलॉजीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ तो मेनली ऑन द बेस ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम से कंपैरिजन किया गया है कि टाइम में क्या बेनिफिट होता है BIM यूज़ करने से इंस्टेड ऑफ कैड। तो सबसे फर्स्ट स्कीमेटिक है। तो स्कीमेटिक कैड जो होता है, कैड सॉफ्टवेयर, वो स्कीमेटिक स्टेप के लिए यानी कि स्कीमेटिक टास्क के लिए 190 आवर्स लेता है। ओके, 190। एंड BIM वही टास्क के लिए यानी कि स्कीमेटिक टास्क के लिए ओनली 90 आवर्स लेता है। तो इसका मतलब जो आवर्स सेव्ड हुए 100 आवर्स, ओके, टोटल 100 आवर्स जो है वो आपके सेव हुए, यानी कि टाइम सेविंग में 53% का गैप आया। ओके, BIM यूज़ करने से। तो अब आप समझ सकते हो कि ये BIM जो है वो इतना मतलब क्यों अभी यूज़ में आ रहा है या उसे एडवांस टेक्नोलॉजी में क्यों शामिल किया गया है। ओके, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है उसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन जो होती है वो अगर टाइम पे कंप्लीट होता है या टाइम से पहले कंप्लीट होता है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल माना जाता है। ओके, अगर उस पर डिले होता है तो बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, मनी फ्लो भी आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो जो टाइम सेविंग टेक्टिक्स होती है कंस्ट्रक्शन में वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, और उसके बेस पे ही जो कोई भी मेथड तो हो उसे सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बताया जा सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन में आप टाइम बचा सकते हो तो आप बहुत कुछ बचा सकते हो। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी कई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस पर डिले सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि वो लोग प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं, उन्हें ये सब पता नहीं होता कि BIM क्या होता है, कैड क्या होता है, उन्हें बस वर्कर से काम करवाना आता है कि वर्कर को कैसे काम की करवाया जाता है और कैसे जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश किया जाता है। तो उनकी कोई डेडलाइन नहीं होती है। बट अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स देखो एंड कुछ डेडिकेटेड बिल्डर्स को देखो तो वो लोग ये टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए एज़ वेल एज़ कॉस्ट बचाने के लिए। ओके,
तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैड और बीआईएम में 100 आवर का गैप यहाँ पे पड़ रहा है। उसके बाद डिज़ाइन डेवलपमेंट में कैड में 436 आवर्स लगते हैं और बीआईएम में 220 आवर्स, यानी टोटल 216 आवर्स जो है वो बच जाते हैं। तो यहाँ पे भी 50% टाइम सेविंग होता है बीआईएम यूज़ करना। उसके बाद थर्ड टास्क जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स है। तो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कैड को 1023 आवर्स लगते हैं, ओके। एंड बीआईएम को वही वर्क करने के लिए 815 आवर्स लगते हैं। तो टोटल टाइम सेविंग यहाँ पे 208 आवर्स हुआ, यानी कि 20% हुआ। चेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कैड में 175 आवर्स लगते हैं, जबकि बीआईएम में ओनली 16 आवर्स लगते हैं। तो 159 आवर्स का जो है वो यहाँ पे सेविंग हुआ। और टाइम जो है वो परसेंटेज भी अगर हम देखें तो 91% जितना टाइम आपका सेव हुआ, ओके। तो अब आप ये टाइम सेविंग का टेबल देखो, जिसमें बीआईएम यूज़ करने से 53%, 50%, 20% एंड 91%। तो ओवरऑल मैं आपको ये क्यूमुलेटिव करके बताऊँ तो ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट जो है वो 50% मतलब टाइम सेविंग वाला हो गया। यानी अगर आप कैड यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो बनने में 2 साल लगते हैं, तो आपका जो ये बीआईएम यूज़ करके आप बनाओगे तो वो टाइम सेविंग आपका 1 साल में हो जाएगा, ओके। ओवरऑल जो है वो 50% जो है वो टाइम सेविंग टेक्निक है बीआईएम। तो इसीलिए जो है वो हम कैड के वर्सेस बीआईएम में बीआईएम ज़्यादा चूज़ करते हैं। हालांकि बीआईएम को ऑपरेट करने के लिए आपको ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो बीआईएम पढ़े हुए हो, यानी कि बीआईएम से नॉलेजेबल हो। तो उसके लिए थोड़ा मतलब ज़्यादा खर्चा हो सकता है, बट अगर टाइम के हिसाब से देखें तो वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ओके, बीआईएम यूज़ करना। उसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ें जो हमें यहाँ दी हुई है। कंट्रोलिंग रिस्क बाय एनहांसिंग एजिलिटी, यानी कि वर्चुअली ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एनकाउंटर अनफोरिसीन सर्कमटेंसेस विद द पोटेंशियल टू डिले द प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड रैपिडली इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट, ओके। तो सारे जो मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उस पे अनफॉरिसिन सर्कमटेंसेस होते हैं। ऐसे अनफॉरिसिन सर्कमटेंसेस सारे प्रोजेक्ट्स पे होते हैं जो हम पहले से देख नहीं सकते, ओके। तो उसे हम अनफॉरिसिन सर्कमटेंसेस बुलाते हैं। तो उनका पोटेंशियल क्या होता है टू डिले द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, तो वो प्रोजेक्ट का पूरा स्केड्यूल है उसे डिले कर देते हैं। एंड रैपिडली इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो उससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाती है। सेकेंड, इन्हांस डिसीजन मेकिंग, कस्टमर्स मस्ट मेक एनी डिसीजन ड्यूरिंग द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ देयर प्रोजेक्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर सब्जेक्ट, ओके। तो ड्यूरिंग जो एनी डिसीजन कंस्ट्रक्शन मेक करता है उसके ड्यूरिंग में जो डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फेज होता है उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिज़ाइनिंग में अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ या तो ओवरऑल नॉलेज नहीं मिला वर्कर को, तो वो आपकी डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। रिलायबली प्रेजेंटिंग कस्टमर्स विथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज क्रिटिकल टू एंश्योर दोज डिसीजंस आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली, ओके। इम्प्रूविंग क्वालिटी विथ डिजिटल प्रोटोटाइपिंग, बिकॉज ईच कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज यूनिक प्रॉब्लम विथ कंस्ट्रक्टिबिलिटी एंड डिटेलिंग आर कॉमन, ओके। तो डिजिटल प्रोटोटाइपिंग से हम क्या कर सकते हैं कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी प्रोजेक्ट की, ओके। क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होता है उसकी कंस्ट्रक्टिबिलिटी एंड उसकी डिटेलिंग्स जो होती है वो कॉमन होती है। अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग पकड़ लो तो आप स्टेप्स देखोगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग के तो वो ज़्यादातर सभी जगहों पे सेम होंगे, ओके। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पकड़ लो तो वो सारी जगह सेम होंगे। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इसी चीज़ का यूज़ करता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी हो तो उस पर इतना इतना डेटा चाहिए, इसके बेसिस पे आप अपना प्रोजेक्ट कैरिड आउट कर सकते हो, ओके। तो जो बिल्डर्स ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं उन्होंने अगर एक बार भी इम्प्लीमेंट कर दिया बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उनका वही मॉडल से काम निकल जाएगा, ओके। तो ये चीज़ होती है, ये बेनिफिट्स होते हैं बीआईएम यूज़ करने के।
उसके बाद जो है टॉपिक है इंटर ऑपरेटेबिलिटी वर्कफ्लो मॉडल, द फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ BIM आपको दिया गया है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ BIM इनटू एग्जिस्टेंस इज इंटर ऑपरेटेबिलिटी। अब देखो ये इंटर ऑपरेटेबिलिटी क्या है, तो मैंने जैसे कहा कि BIM जो है वो सारी ब्रांचेस को साथ पे लेके चलता है, टोटल जो वर्क फ्लो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। ओके, तो यही इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इंटर ऑपरेटेबिलिटी मॉडल। इंटर ऑपरेटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेकिंग सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर। इट इज टर्म डिफाइंड बेसिकली फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम इंजीनियरिंग सर्विसेज टू अलाउ फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ओके, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आइडियाज़ होते हैं उसे कंस्ट्रक्शन के साथ कैसे शेयर करना, उसे कंस्ट्रक्शन के साथ कैसे और कोऑर्डिनेट करना, ये चीज़ जो है वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन लाया है एग्जिस्टेंस में। तो इसीलिए जो पूरा जो इम्फेसिस होता है वो प्रिंसिपल जिसे आप बोल सकते हो BIM का, वो इंटर ऑपरेटिबली वर्क फ्लो मॉडल होता है। ओके, इसके बेस पे या इसके प्रिंसिपल पे ही पूरा BIM वर्क करता है। आइडिया बीइंग दैट मल्टीपल वेंडर्स वुड बी एबल टू एक्सेस अ बिल्डिंग मॉडल टू सप्लाई डेटा टू द आर्किटेक्चर्स एंड इंजीनियर्स इन अ 3D स्पेस। इंटर ऑपरेटेबिलिटी इज द डायनेमिक एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन अमंग ऑल एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म सर्विंग द एंटायर बिल्डिंग कम्युनिटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फैसिलिटी। देयरफॉर नो मैटर व्हाट प्रोग्राम्स वेयर बीइंग यूज अक्रॉस द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ वेंडर्स, देयर वुड बी अ मीडियम टू ट्रांसफर डेटा टू समथिंग दैट अदर्स इन द इंडस्ट्रीज कुड एक्सेस, द मीडियम बीइंग द 3D मॉडल। ओके, तो ये पूरा निष्कर्ष इसका मैं आपको बता दूँ तो ये इंटर ऑपरेटेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अक्रॉस द नेशन जितने भी वेंडर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी मतलब बिल्डर्स जो है वो आपके वेंडर्स जो है वो सेल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल का यूज़ करेंगे, तो आपकी जो बिल्डिंग जो है उसकी सही इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक या तो फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक या तो फिर दूसरी कोई चीज़ तक जाएगी कि जहाँ पे आपको सामने वाली पार्टी जो है उसको नॉलेज में लाना होता है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जैसे कि सेल्स टीम में आपको बताऊँ तो सेल्स टीम में क्या होता है कि सेल्स वाले बंदे को डिटेल ऑफ डिज़ाइनिंग नहीं पता होती है। ओके, तो वो अपने हिसाब से समझाता है कस्टमर को कि इसमें ये है ये है ये है, बट इंफॉर्मेशन मॉडलिंग से क्या होता है कि ये सारे जो मतलब जो सेल्स वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, ये सबको इंटीग्रेट करके एक मॉडल बनाया हुआ होता है। ओके, तो ये मॉडल जो है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी जगह से एक्सेस कर सकता है। तो आपकी बिल्डिंग की जो इंफॉर्मेशन होगी वो मतलब कंसिस्टेंस रहेगी। ओके, आपको ऐसा नहीं है कि आपका इंजीनियरिंग डेटा कुछ अलग बोल रहा होगा, आपका सेल्स वाला डेटा कुछ अलग बोल रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर पे मतलब जो माइंडसेट पे असर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ओके, आपके बिल्डिंग का, तो इसलिए जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी जो वर्क फ्लो मॉडल है उसे ही हमने प्रिंसिपल ऑफ BIM चुना है, यानी कि BIM जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे यानी कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी वर्क फ्लो मॉडल पे वर्क करता है। तो ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ BIM है। उसके बाद जो है वो फेडरेशन मॉडल है। तो फेडरेटेड मॉडल में देखो बिल्डिंग ओनर, कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, MEP इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्चर, ये सारे आ जाते हैं। दिस प्रिंसिपल इज फर्दर डिफाइंड एज द मॉडल फेडरेशन। ये प्रिंसिपल को फर्दर हम मॉडल फेडरेशन में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर द मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स ईच डिज़ाइनर और सब ट्रेड विल बी प्रोड्यूस देयर ओन मॉडल। अब देखो हर एक जो इंजीनियर होता है वो अपने हिसाब से वो मॉडल जो है वो फिर से बनाता है। ओके, दिस मॉडल्स कैन बी कंबाइंड और फेडरेटेड टू क्रिएट अ सिंगल शेयर मॉडल। ओके, ये सारे जो ब्रांचेस जो मैंने आपको यहाँ पे बताए कि जो बिल्डिंग ओनर है वो, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर,
एमईबी इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर्स, ये सारे जो है वो मॉडल्स अपने अपने अलग अलग बनाते हैं अपने यूजेस के हिसाब से। ये सारे मॉडल्स को कंबाइन करके उसको फेडरेटेड करना, वही जो है वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, टू क्रिएट अ सिंगल शेयर मॉडल। इंटरडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन इज कन्फर्म इन द फेडरेटेड मॉडल, रिक्वायर्ड चेंजेस आर मेड इन द इंडिविजुअल डिसिप्लिन मॉडल्स। ऑन लार्ज प्रोजेक्ट डिसिप्लिन मॉडल्स पे बी स्प्लिट इंटू मल्टीपल स्मॉलर मॉडल्स टू मेक फाइल साइजेस मोर मैनेजेबल। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटर जो ऑपरेटेबिलिटी है ऑपरेटेबिलिटी का, वो यहाँ पे फेडरेशन से आपको समझाया है कि अलग अलग ब्रांच जो होती है वो उसका जो मैप्स होते हैं या तो उसके जो डिटेलिंग होते हैं वो अलग अलग बनाते हैं बस ये, बट यहाँ पे हम BIM में उसे फेडरेशन बनाते हैं, यानी कि उसको फेडरेटेड मॉडल बनाते हैं, सभी ब्रांचेस के लिए एक कॉमन मॉडल बनाते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूडेड होती है। ओके, तो ये भी आपका एक वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ BIM है, फेडरेशन मॉडल एंड इंटर ऑपरेटेबिलिटी वर्कफ्लो मॉडल। उसके बाद क्लाउड, BIM क्लाउड क्या है? तो क्लाउड अलाउज डिफरेंट मेंबर्स ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इन वन प्लेस। ओके, जैसे आपको देखो ये सर्वेयर है, ओके, यहाँ पे ये जो डिटेलिंग कर रहा है वो, ये MEP इंजीनियर है और ये आपके ओनर है और ये जो है वो सपोज कोई सिविल इंजीनियर है, तो ये सारे जो है वो अलग अलग जगह से आपकी बिल्डिंग को एक ही मतलब एंगल से देख रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो रहा है क्लाउड इंफॉर्मेशन से। तो क्लाउड इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि जो जो चीज़ जिसको जिसको ज़रूरी होती है वो उस एंगल से उस पर काम करता है, बट इंटीग्रेशन अगर आप ये सभी का करोगे तो आपकी बिल्डिंग जो है वो आपके एम के अनुसार ही बन रही होगी। तो ये सिस्टम को हम क्लाउड इंफॉर्मेशन बुलाते हैं। तो क्लाउड अलाउज डिफरेंट मेंबर, क्लाउड जो है वो डिफरेंट मेंबर को अलाउ करता है ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इन वन प्लेस। एक ही जगह से अलग अलग मल्टी फंक्शनल जो मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको अलाउ करना वर्क करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को हम क्लाउड बुलाते हैं। ओके, और ये यहाँ पे BIM का क्लाउड है इसलिए हम उसे बुलाते हैं BIM क्लाउड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।